और मेरे सामने पिस्तौल लड़ाती हुई मेरे सामने एक गोली मारी से, मेरे सामने गोली मारते हुए कबाड़ के बावजूद भी उनको दिन दहाड़े मतलब कि शाम को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आपको जस्ट दिखाए हैं कि किस प्रकार से पटना सिटी के वार्ड नंबर 68 जो बाईपास थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी कल रात में एक अबीर लगाने के चलते। अभी हम लोग खाजेकला गंगा घाट पे हैं जहां पर कि उनकी आज अंतिम जो हम लोग बोलते हैं कि जिस प्रकार का श्राद्ध क्रम जो है मतलब कि इसको किया जा रहा है यहाँ पर जो उस जगह पर देखिए उनके बड़े भाई हैं और ये छोटा सा जो है मुखाग्नि देने के लिए उनका एक छोटा सा बच्चा है, यही बच्चा है जो कि उनको मुखाग्नि देने जा रहा है। समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रहा होगा और जो अपराधी है वो बीच जगह पे जो चौराहा है उस बीच में जा करके और घसीट करके उनको गोली मार दिया ये बोलते हुए और पिस्टल लहराते हुए गया कि कौन मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, इस प्रकार का उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। एक बार हम जो सामने जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो पहली बार जब घटना हुआ उसके जस्ट बाद पहुंचे हैं उनके बड़े भाई हैं, एक बार हम लोग इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि घटना कैसे घटा। ये कितना बजे रात का घटना है भाई? लगभग 8 बज रहा होगा। जी जी 8 बज रहा था, सब उधर अपना रंगवीर खेल रहा था, कोई क्या कर रहा है कुछ पता नहीं था। एक बार गोली चलने का आवाज आया जी, तो हम दौड़े, जब तक गोली उचला मार चुका था और मेरे सामने पिस्तौल लड़ाती हुई मेरे सामने एक गोली मारी से, मेरे सामने गोली मारते हुए भाग गया, कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, हट जाओ नहीं तो सबको मार देंगे, मारते हुए निकल गया। और उसके बाद तो हम लोग अपना, हम तो अपने भाई में लग गए, भाई को अपना लेके हम लोग इधर निकल गए, वो अपना किधर निकल गया। इसके अस्पताल जाने के बाद मौत हुई थी? हाँ, अस्पताल गए तो उनको रास्ते ही में डेथ हो चुका था। अस्पताल में गोली लगी थी, एक इधर था, एक यहाँ था और एक यहाँ था ना चाचा, पीछे था, एक वो यहाँ था, एक वो निकल, एक तीन गोलियां लगी, तीन गोली लगा, तीन गोली मारा जी और पिस्तौल लहराते हुए निकल गया, फायरिंग की करके निकला। सिर्फ दो गोली मारा है, इसमें एक गोली इसमें जो मारा जो था और एक गोली जो है यहाँ से सर से निकल गया जो कि जखम के टाइप का लाते हुए चला गया, लेकिन उसके पोस्टमार्टम में सिर्फ एक ही गोली निकला। तो पोस्टमार्टम में सिर्फ एक ही गोली का जिक्र किया हुआ जी, सिर्फ एक ही गोली निकला, इसलिए उसका जो है ना किया है। अभी आप लोग की मांग क्या है प्रशासन से और कोई प्रशासन के लोग अभी तक आपके पास? देख लीजिए कि कितना बड़ा बच्चा है, किसको मार दी सही बच्चा को देख लीजिए, पर जैसा मेरे साथ बीता है वैसा उसके साथ बीतना चाहिए, इसको बर्बाद कर दे इसे उसको भी, आप लोग समझिए जो करना है उसको, छुट्टा साड़ मत छोड़िए, बस बहुत छुट्टा हो गया है, बस उसको कैश को कस्टडी में लीजिए, जो करना है उसके बाद प्रशासन करवे करेगा। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? एक ही हो गया, मतलब वो कौन था, शूटर था? वो शूटर था, उसी गैंग का था। अच्छा, नाम क्या था उनका जो गोली मारा है, उनका नाम क्या था? कल्टी और सोनू, सोनू और रवि और एक कल्लू, नाम उसका नहीं जानते हैं, कल्लू जिसका कि कल्लू कौन था, कल्लू एक रविदास का जो लड़का है क्या, कल्टी या कुछ है, सोनू और एक रवि है। इन लोग का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है क्या? हाँ, पूरा इतिहास है, आवाज तक है इतिहास, जो कि बाईपास थाना के अलावा और भी थाने में ये लोग क्राइम कर चुका है। और ये लोग क्या मतलब आपके जो अगल बगल में जो लोग रहते हैं सारे लोग तो जानते होंगे कि आपराधिक किस्म का लोग है? जी सारे लोग उधर जान रहे हैं जी। लेकिन अगर इसके बाद आप लोग का सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि जो इस ढंग का क्रिमिनल हो वो जोगी जी वाला यूपी में जो चलता है, योगी सरकार बिहार में जो, वही सरकार चाहिए जो कि जितना क्रिमिनल है सबको ध्वस्त करते हुए चला जाए। आप लोग भी अगल बगल के लोग हैं, आप लोग भी अगल बगल में रहते हैं, क्या वो जो जिनकी मौत हुई है क्या कोई वो भी आपराधिक कृत्य मतलब कमाल खाए वाला लड़का
कबाड़ के बावजूद भी उनको दिन दहाड़े मतलब कि शाम को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। और वो जो आदमी था जो गोली मारा था वो अपराधिक प्रवृत्ति का था, प्रवृत्ति का था, वो अपराधी है ये, वो उस पर एक, 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 एक केस भी है लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। सरकार क्या जाने क्या किया नहीं किया, उसको रेस्ट नहीं किया, आप लोग रेस्ट हुआ था, आज इसको छोड़ दीजिए। लोग अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है जी। अच्छा पुलिस जो आप लोग के पास जो आई थी, पुलिस की तरफ से कुछ वैसा बोला गया कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? पुलिस तो कब तक आ जाएगा जी? वो तो पुलिस तो कब जवाब नहीं दे रही कि कब तक अपराधी पकड़ाएगा, पुलिस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही, सिर्फ वो कागज ही अपना काम कर रही है। आगे का आप लोग का क्या प्रोग्राम है अभी दाह संस्कार करने के बाद? दाह संस्कार करने के बाद क्या रखा रहेगा? ताड़ी नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मतलब आप लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तारी, गिरफ्तारी होना चाहिए, सभी लोग का ही मांग है, मिलना चाहिए। जैसा किया जब तक अपराधी नहीं पाए क्या क्या मतलब होगा? आज आज उसको संग किया बयान, उसको संग करेगा, सबको संग कर सकता है। नियम निकाले कि जो अपराधी है, जो अपराधी है जो जैसा करता है उसको उन्हीं अनुसार सजा मिलना चाहिए। जेल में रख कर कोई फायदा नहीं है, सरकार को रोटी खाएगा, औसा रख के क्या फायदा उसको? जो जैसा करता है उसको उसी तरह से जवाब देना चाहिए, लेकिन वो सरकार तो कुछ करती नहीं है। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग अगल बगल मांग यही सर कि अपराधी को जल्द से जल्द हाजिर कर दिया जाए और उसको जो कानूनी कार्रवाई के अलावे भी जैसे मौत दिया है उसी मौत उसका भी होना चाहिए। उसको प्रशासन काउंटर कर दे, न रहेगा न ऐसा होगा। हमको जनता मोबाइल उसको हम ले लेंगे, थाना हमको दे दे, हम समझ लेंगे केस का, गांव का हवाले कर दे थाना। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अंदर में माहौल है और लोग किस प्रकार से गुस्से में है कि दिन दहाड़े जो है सो किसी लोगों को गोली मार दिया गया और वो भी कट्टा लहराते हुए लोग निकल गया ये बोलते हुए कि मैंने कुछ नहीं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार के जो अपराधी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। देखिए एक और लोग है, क्या लगता है उनको? सर दिन दहाड़े उनको गोली मारना चाहिए सर, जैसा वो किया है गोली मारना चाहिए सर। मेरे भनोई लगते हैं, गोली मारना चाहिए। किन के भनोई, कौन लगते हैं? मेरे भनोई लगते हैं, मतलब आप उनके साला हैं? साला उनके हुए। तो ये देख लीजिए उनके साले थे और देख सकते हैं कि छोटा सा एक बच्चा था और उनके भाई से अब हम लोग क्या पूछे, उनकी स्थिति नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ पूछ सकते हैं। बात बाकी देखिए, आप लोग ही इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में अपराधियों की मनोबल किस प्रकार से बढ़ी हुई है और लोग चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चलता है और 24 घंटे के अंदर में इंसाफ मिल जाता है परिवार को, खुद से घर को मिट्टी मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसी प्रकार से ये लोग भी चाह रहा है कि इसी प्रकार का सरकार होना चाहिए जो कि 24 घंटे के अंदर में अपराधी को पकड़ करके अगर नहीं अपराधी हाजिर होता है तो उसके घर को मिट्टी मिट्टी में मिला देने का जो है, तो कष्ट करे हम लोग का बिहार सरकार।